जी, ये मेरे भाइयों, हम आज आए हैं पिंड तालिया, जो अभी इसमें पुरानी बिल्डिंग है। बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, उसमें आदमी राज पजीर है। अच्छा, वो पुरानी है, बहुत पुरानी है, हिंदुओं के जमाने की है। हिंदुओं के जमाने की है। इधर भी है आगे कोई? अच्छा अच्छा, चले हम थोड़ा सा, जो ना रहे तो जरा आसानी हो जाती, फिर बंदा आसानी न बना सकते। चलो कोई वो नहीं, जा रहे रिहायश होगी, फिर वहाँ पर तो नहीं जा सकते ना। ये तो रिहायश है। तो हाँ ठीक है, ये मेन चौक है, ये मेन चौक है, ये है मेन चौक है, ढाब पिंड तालिया का ये मेन चौक है। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, भाई बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि ये बड़ा पुराना और कदीमी है। तो यहाँ तो अभी पुरानी बिल्डिंगें इतनी ज़्यादा नहीं हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। तो बुज़ुर्गों भी, मुझे बुज़ुर्ग भी माइग्रेट होकर इंडिया से इधर आए हैं पाकिस्तान, तो इनकी पैदाइश इधर की ही है। तो इनका कहना है कि यहाँ ये पाकिस्तान बनने से पहले हिंदू सिख मुसलमान यहाँ पे ये कौमें रहा करती थी, तो ये माइग्रेट के बाद फिर यहाँ से ये लोग इंडिया चले गए और उधर से मुसलमान जो है यहाँ पर आ गए। तो बुज़ुर्गों का बहुत शुक्रिया जी। आगे हम चलते हैं, अभी आपको कुछ जो भी हमको नज़र आया तो आपको आगे दिखाते हैं, तो हमारे साथ रहिए जी। और बाबे को पूछो। अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम जी। छोटे वीरे, आपका क्या नाम है? आकिब। आकिब भाई, ये गांव कितना का पुराना है? ये हो गया जी पाकिस्तान बनने से पहले, ये पाकिस्तान बनने का पहले का गाँव है जी। यहाँ पर पहले हिंदू सिख वगैरह रहा करते थे जी। तो आप भी यहाँ के रहने वाले हैं, तो इस हवेली के बारे में बताइए, ये कितनी पुरानी है? ये बहुत पुराने, यहाँ अंग्रेज वगैरह रहा करते थे पहले। अच्छा, यानी कि हिंदुओं और सिखों की है पुरानी। तो आगे अंदर देख सकते हैं, अगर कोई रहायश नहीं है? नहीं, रहायश नहीं। आगे देख सकते हैं यहाँ पे? चले हमको दिखाइए जी। ये है मेरे भाइयों, ये हिंदुओं के दौर की ये हवेली है, ये अभी बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कोई रहायश नहीं है, ये बिल्कुल अभी गिरने वाली है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये तकरीबन 115-120 साल लगभग पुरानी है। तो आज हमको मौका मिला, हमारे ये बच्चे हैं छोटे छोटे, इसी गांव के रहने वाले हैं, इनका कहना है कि ये बड़ी पुरानी और हिंदुओं और सिखों की बनाई हुई है। तो ये आपको नज़र आ रहा है, तो आगे ये इसकी हालत बड़ी खस्ता है, हम आगे नहीं जा सकते। ये खुल जाता दरवाज़ा फिर? ये अभी दरवाज़ा बिल्कुल खुल नहीं सकता, खस्ता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मेरे छोटे छोटे भाई, हमारे भतीजे यहाँ पे हैं, आए हुए हैं, इकट्ठे हो गए, ये कह रहे हैं ये बड़ी पुरानी है। तो हमने आपको अंदर से थोड़ी सी दिखाई और आपको ये बाहर से भी दिखा रहे हैं। ये है गांव तालिया, जो कि हिंदुओं और सिखों का गाँव था, अब यहाँ पर सभी मुसलमान हैं, यहाँ से ये माइग्रेट होकर जो सिख हिंदू चले गए इंडिया में। तो आगे आपको जो भी अभी और भी दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा जी। ये है मेरे भाइयों गांव तालिया घुमाना पिंड, ये पुराना और तारीखी सिखों का गांव है। तो ये आपको आज दिखाया हमने, हमको मौका मिला आपको दिखाया। और ये आपको अभी ये स्कूल है आपको सामने, उसको भी दिखाते हैं। ये है सामने आपको नज़र आ रहा है ये स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल चक घुमाना, ज़िला भावलनगर। ये भी पुराना है, ये गाँव तो बिल्कुल हिंदुओं के वक़्त का है। इसका असल नाम है तालिया, चक घुमाना तालिया, ये आपको दिखाया। यहाँ पर स्कूल भी है, यूनियन काउंसिल भी है, ये बड़ा पुराना और कदीमी गांव। यहाँ पर अब ख़ास जो है वो पुरानी बिल्डिंग ख़त्म हो गई हैं, तो लोगों ने अभी नए घर बनाए हुए हैं। ये आसपास का रकबा है। तो आइए हम आपको बाहर से भी दिखाते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। ये है पिंड तालिया जी। ये देखिए यहाँ पर भी सेम बहुत ज़्यादा है, बारिशों की वजह से यहाँ पर सेम है, ये देखिए आपको नज़र आ रही है। ये है मेरे भाइयों पिंड तालिया, यहाँ पर ये देखिए पूरी की पूरी जो है यहाँ पर रकबा जो सेम से घेरी हुई है। यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ रहा है, या पानी, यहाँ पर फसलें देखिए ये पानी से डूबी हुई हैं। ये देखिए ये कपास की, बारिशों की वजह से यहाँ पर पानी ज़्यादा है, सेम ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए आपको नज़र आ, ये देखिए आपको पानी पानी नज़र आ रहा है। ये है पिंड तालिया का रकबा, जो कि आसपास बारिशों की वजह से बिल्कुल ख़राब हो चुका है, जहाँ पर फसलें भी बहुत कम हो रही हैं। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है।